के लिए सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन आदि में सहज बैठ जाएं। जिनको नीचे बैठने में असुविधा हो वे कुर्सी पर बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, आंखें बंद, पूरा देह, मन शिथिल, सहज और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। ध्यान के लिए भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखें। ऐसे भी जीवन में, जगत में भगवान सर्वोच्च स्थान पर ही है। जब हम भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए ध्यान, समाधि के लिए प्रभु की आराधना के लिए बैठते हैं, तो स्वयं से लेकर के इस समष्टि तक भगवान ही की महिमा को अनुभव करना ध्यान की तैयारी के लिए अपने आप को ध्यान में पूरी तरह समाहित करने के लिए सबसे पहले देह का शिथिलीकरण करें और देह से परे स्वयं को देही के रूप में अनुभव करना, साक्षी होकर के, दृष्टा बन करके माथे को शिथिल अनुभव करना। माथा शिथिल है, सहज, ढीला, शांत, मस्तिष्क में उठे विचार भी सहज है, दिव्य है, पावन है, पवित्र है। मेरा मस्तिष्क सहज, शिथिल, शांत, ज्ञान में, ज्योतिर्मय, तेजो में। मेरी प्रज्ञा पूरी तरह से प्रकाशित है। माथे के बाद आंखों को शिथिल कर दे, आंखें सहज, आंखों की पलकें, पुतलियां सहज। मन में प्रभु का ही मनन, प्रभु ये शीश आपके चरणों में सदा झुका रहे, आप ही के। ध्यान में, आप ही की उपासना में, आप ही की भक्ति में, आप ही की वंदना में प्रभु सदा लीन रहो। दाएं हाथ को देखें और दाएं हाथ के कंधे को शिथिल, सहज अनुभव करते हैं। प्रभु को समर्पित है यह हाथ, हाथ का कंधा, भुजा, कोहनी, कलाई, हाथों की अंगुलियां। दाया हाथ की तरह बाया हाथ का भी कंधा, भुजा, कोहनी, कलाई, अंगुलियां, अंगूठे सब शिथिल, सहज, समर्पित। प्रभु हाथों से तेरा ही काम कर, मेरा हर कर्म प्रभु तेरी पूजा बन जाए। मैं जो भी करूं प्रभु आपकी प्रेरणा से, आप ही की शक्ति से, आप ही की सामर्थ्य से, आप ही के द्वारा देवी ज्ञान से, आप ही के द्वारा प्रदान किया हुआ है ये कर्म करने का सामर्थ्य और सारे संसार है, सब कुछ प्रभु आपका है। मैं निमित्त मात्र होकर के कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के कर्म को अपना धर्म मान करके, आपकी पूजा मान करके करूँ,
ऐसन हाथों में सामर्थित हो। हाथ शिथिल सहज और समर्पित प्रभु चरण, ऐसे ही शिथिल कर दें फेफड़ों को, हृदय को, एक एक श्वास फेफड़ों में आ रहा है जा रहा है प्रभु, हर श्वास में तेरी वंदना, तेरी भक्ति, तेरी उपासना, तेरा स्मरण हो प्रभु हर श्वास में, ऐसी प्रेरणा दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दो प्रभु। हृदय में आपकी प्रीति, आपका ही प्रेम समर्पण, हृदय शिथिल सहज और प्रभु के चरणों में समर्पित, प्रभु आप ही मेरे सर्वोच्च प्रेम के केंद्र, मेरे हृदय के सिंहासन पर प्रभु सदा विराजमान रहो। यही है योग का फल कि हम आत्मानुकूल आचरण करें, वेदानुकूल आचरण करें, आत्मा में जो परमात्मा की पुकार है बस उसी के अनुरूप जी, यही 24 घंटे का योग है। ऐसे थोड़ी देर ध्यान करें कि प्रभु आपकी शरण में रहो, और फिर बस आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे वही करते जाना, हर समय भगवान को शुक्रिया करना। ओम शांति 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 ही।